सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉडस कैफेटेरा का एपिसोड 2। सो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां अपना अपना इंट्रोडक्शन कर रही होती हैं। एक लड़की का नाम होता है सुरुगा आमी, जो कि हाई स्कूल सेकेंड ईयर में है और कराटे क्लब की मेंबर है। दूसरी लड़की का नाम सुकिशिमा रिहो और वो यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। तीसरी लड़की का नाम होता है शिराकाकी ओनो और वो भी सुकिशिमा की तरह यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। चौथी लड़की का नाम होता है होजी अकाने, जिसकी एज 19 है। पांचवी लड़की का नाम होता है माकुजावा ओका, जिसकी एज 19 और वो टेक स्कूल स्टूडेंट है। और उन लड़कियों को देखकर हयातो सोच रहा होता है कि शायद से इन लड़कियों की मदद से वो कैफे को बचा पाए। एंड उसके बाद हयातो उन लड़कियों से बोलता है कि हम सभी इस घर में एक साथ रहने वाले हैं, हमें घर के कामों को आपस में बांट लेना चाहिए। सो तभी सुकिशिमा बोलती है कि मुझे साफ सफाई वाला काम पसंद नहीं है, इससे मेरे नाखून गंदे हो जाएंगे। तभी सुरुगा बोलती है कि उसे भी कपड़े धोने का काम नहीं आता है। और तभी होजी बोलती है कि उसका ब्लड प्रेशर लो है, इसी वजह से वो तेज रफ्तार से काम नहीं कर पाती है। शीरा घी की कुकुस समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। माकुजावा भी बोलती है कि उसे भी क्लीनिंग का काम पसंद नहीं है। सो तभी हयातो परेशान होकर बोलता है कि तुम लोग शिकायतें करना बंद करोगी। और उन लड़कियों को देखकर हयातो सोचता है कि मुझे ये लड़कियां गॉडेस कम और मॉन्स्टर्स ज्यादा लग रही हैं। एंड तभी हयातो बोलता है कि हम सभी इस घर में एक साथ रहने वाले हैं, सो हमें इस घर का काम तो आपस में डिवाइड करना ही होगा। तभी सुरुगा बोलती है कि ये सारा काम तो हमारे लिए ग्रैंडमा कर दिया करती थी, वो हमारे लिए खाना बनाती थी, क्लीनिंग करती थी और लॉन्ड्री का भी काम वही करती थी। और तभी माकुजावा बोलती है कि सच में दादी और पोते में कितना ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद वो सभी लड़कियां खाने पीने की बातें करने लगती हैं। हमारे ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लड़कियां कर क्या रही हैं। एंड तभी हयातो उन सभी लड़कियों से बोलता है कि तुम लोगों ने कभी सोचा है कि शायद से ग्रैंडमा के इतने जल्दी मरने का कारण तुम सभी हो सकते हो, क्योंकि इन लड़कियों की वजह से हयातो की दादी को इतना काम जो करना पड़ता था। सो तभी वो लड़कियां बोलने लगती हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम कभी कभार उनकी थोड़ी बहुत मदद तो कर दिया करते थे। उन सभी की ऐसी बातें चली नहीं थी, तभी शीरा गीकू बोलती है कि उसे कुकिंग करना काफी पसंद है और उसे सफाई करने में भी कोई एतराज नहीं है। उसकी बात सुनकर हयातो उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम शीरा गीकू है ना। सो उसकी बात सुनकर माकुजावा बोलती है कि वो तुमसे बड़ी है, उसके नाम के पीछे सैन लगाकर उसे इज्जत तो दो। सो हयातो बोलता है कि उसे इक्वल ट्रीटमेंट देना पसंद है और उसे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा अच्छे लड़के बनने का नाटक करते हों। उसके बाद हयातो बोलता है तो अब हम इस घर की सफाई करना शुरू करते हैं और वो सभी लड़कियां भी आखिर में इसके लिए मान जाती हैं। एंड उसके बाद जब वो लड़कियां सफाई करती हैं तो हम देखते हैं कोई भी लड़की उसका काम अच्छे ढंग से नहीं कर रही होती है। और तभी हयातो सुरुगा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसी को तंग करने लगती है। होजी बहुत ही आलसी से काम कर रही थी और जो माकुजावा है वो फ्लोर को साफ कर रही थी। तभी हयातो वहां से गुजरता है तो वो गलती से माकुजावा की पांसू देख लेता है। तभी वहां सुकिशिमा आती है जो माकुजावा को बताती है कि उसकी पैंटीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से माकुजावा हड़बड़ाने लगती है और वो नीचे गिरने लगती है और वो सीधा आकर हयातो में घड़ने वाली थी लेकिन वो हयातो में पैर मार देती है, जिसकी वजह से बेचारा हयातो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो हयातो होता है वो लॉन्ड्री का काम करने लगता है और जब हयातो वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल रहा था तभी वहां पर माकुजावा आ जाती है। तभी हयातो वॉशिंग मशीन में से एक ब्रा निकाल लेता है और हयातो के हाथ में उस ब्रा को देखकर जो माकुजावा होती है वो वहां पर बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से जो बाकी सारी लड़कियां होती है वो भी वहां पर आ जाती हैं। और जो माकुजावा होती है वो तभी बोलती है कि देखो ये लड़का किस तरीके से मेरे कपड़ों को छू रहा है। सो हयातो बोलता है मैं तो बस इन्हें सुखाने के लिए जा रहा था। सो तभी माकुजावा बोलती है कि उन कपड़ों को वापस उन्हीं की जगह पर रख दो। सो हयातो बोलता है क्यों क्या हुआ, क्या इन कपड़ों में कुछ डेंजरस छुपा हुआ है। सो हयातो की ऐसी हरकत करने की वजह से सभी लड़कियां उसे भला बुरा कहने लगती है। सो तभी हयातो बोलता है कि आखिर इसमें गलती क्या है, ये तो सिर्फ मामूली सी अंडरवेयर्स हैं। सो ना जाने भैया काय उन सभी लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तुम लोगों को अगर पता हो क्यों तो कमेंट्स में बता देना, मुझे तो नहीं पता। बेचारा हमारा हयातो उनसे माफी मांग लेता है एंड में और क्या ही करता बेचारा। और तभी माकुजावा बोलती है कि अब तुम पनिशमेंट के रूप में पूरा का पूरा कैफे अकेले साफ करोगे। और माकुजावा फिर गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसके बाद हम हयातो को कैफे साफ करता हुआ देखते हैं। बेचारा बोलता है कि वो लड़कियां कितनी ज्यादा सेल्फिश हैं, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। तभी हयातो की नजर वहां पर रखी हुई पुरानी सी कॉफी मशीन पर पड़ती है और तभी हयातो याद करने लगता है जब उसने अपनी दादी से कहा था कि ये ना कॉफी मशीन बहुत पुरानी हो गई है, सो एक नई क्यों नहीं खरीद लेते। सो उसकी दादी ने कहा था कि बेवकूफों जैसी बातें मत करो, ये मेरी फेवरेट है। एंड उसके बाद हयातो डिसाइड करता है कि वो इस कॉफी मशीन को भी साफ करेगा। लेकिन तभी वहां पर शीरा गीकू आ जाती है जो बोलती है कि ये कॉफी मशीन ग्रैंडमा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सो प्लीज इसे निकलवाना मत। सो हयातो बोलता है कि मैं तो बस इसे साफ कर रहा था। उसके बाद शीरा गीकू
हयातो को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने सुबह जो कुछ भी कहा उसके लिए। वो हयातो से बोलती है कि उसके यूनिवर्सिटी के जो टर्म्स हैं वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, इसी वजह से उसके लिए अकेले पूरे घर को साफ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, जिसकी वजह से उसे पढ़ने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। और वो आखिर में हयातो से ये भी बोलती है कि मुझे ये तो पता है कि तुमने ये सब मेरे लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी थैंक्स। उसकी बात सुनकर तभी हयातो उससे बोलता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी पोलाइटली बात क्यों कर रही हो, हम तो एक फैमिली है ना। क्योंकि वो बुढ़िया तो ऐसा ही मानती थी, क्या तुम अपनी फैमिली से इतनी पोलाइटली बात करती हो। सो तभी शिरागी को भी समझ जाती है कि हाँ वो सभी एक फैमिली हैं। एंड उसके बाद वो हयातो से बोलती है मैं तो यहाँ तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी। सो हयातो बोलता है मुझे अभी भी यहाँ पर सफाई करनी, सो तुम सभी पहले खाना खा लो। सो तभी शिरागी को बोलती है कि नहीं हम सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगले सीन में माकुजावा हयातो से पूछती है कि क्या उसने कैफे की सफाई कर दी, और वो उसे ठरकी भी बोल रही होती है। हयातो बोलता है कि मुझे इस तरीके से बुलाना बंद करोगी। तभी वहाँ पर शिरागी को खाना लेकर आती है जो बोलती है कि उससे इस तरीके से बात मत करो, हम सभी एक फैमिली हैं। सो तभी सुकिशिमा बोलती है कि आज तुम्हें क्या हो गया। शिरागी को तभी हड़बड़ाने लगती है कि कुछ भी नहीं हुआ। तभी जो सुरुगा होती है वो सभी से बोलती है कि एक बार बाहर तो देखो, और जब हम बाहर देखते हैं तो भैया बाहर जो चेरी का ट्री होता है वो खिल रहा होता है, एंड ये ना काफी ब्यूटीफुल सीनरी होती है। एंड उसके बाद वो सभी इसी प्यारे से व्यू को एंजॉय करते हुए खाना खाते हैं, और जब हयातो भी देखता है कि सच में ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट है, सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। और तभी उसे शिरागी की बात याद आती है कि उन्होंने ग्रैंडमा से वादा किया था कि हम सभी एक साथ मिलकर खाना खाया करेंगे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। और ये मोमेंट वहां पर सच में दोस्तों बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और तभी हमें हयातो की आवाज आती है कि फैमिली हाँ। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हम हयातो को मस्त नहाते हुए देखते हैं, लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर आ जाती है माकुजावा, और वो वहाँ पर हयातो को देखकर काफी शर्मा जाती है। और वो हयातो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो वो बताता है जो सुकिशिमा थी उसने उससे कहा था कि वो पहले नहा सकता है। सो तभी माकुजावा बोलती है कि तुम्हें बाहर साइन लगा देना चाहिए था कि अंदर कोई है। और तभी वहाँ पर सुरुगा आ जाती है जो कि हम देखते हैं भैया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, और वो बोलती है कि मैंने कहा था कि इस घर में जितनी भी लड़कियां हैं मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एंड उसके बाद वो हयातो को कूटने लगती है। एंड उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कैफे के अंदर हयातो उन सारी लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर हयातो बोल रहा होता है कि हम हमारे कैफे की रीओपनिंग करेंगे। और वो उन लड़कियों से ये भी बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम सभी के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा। और वो उन सभी लड़कियों से बोलता है मैं यहाँ का ओनर हूँ, इसीलिए मुझे कम से कम कॉफी बनाना तो आना ही चाहिए। और हयातो शिरागी से बोलता है कि वो सर्व करने का काम कर सकती है। तभी सुकिशिमा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आज से पहले तुमने कभी भी पार्ट टाइम का जॉब कोई किया है। और तभी माकुजावा भी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हाथों की कॉफी बिल्कुल भी अच्छी होगी। उनकी बात सुनकर हयातो सोचता है कॉन्फिडेंट होकर कि शॉक्ड होने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने अपनी ग्रैंडमा को कई बार कॉफी बनाते हुए देखा है। उसके बाद जो हयातो होता है वो कॉफी बनाने लगता है, और वो ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कॉफी बना रहा था, और वो सभी लड़कियां उसे इस तरीके से काम करते हुए देख रही थी। उसके बाद जब वो सभी एक एक करके हयातो के हाथ की बनी कॉफी पीती हैं, तब हयातो को तो ये लग रहा था कि उन्हें उसकी हाथ की बनी कॉफी बहुत पसंद आएगी, लेकिन वो बोलती हैं कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये एकदम बकवास है। हयातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और तभी हयातो उन सभी से बोलता है कि तुम सभी झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम सभी ये मान ही नहीं सकते कि मेरे हाथों की बनी कॉफी अच्छी है। सो तभी होजी बोलती है कि हम तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी इस कैफे में नहीं बेच सकते हैं, ये उसका टेस्ट बहुत बुरा है। उसकी बात सुनकर हयातो बोलता है कि क्या। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डिनर के बाद शिरागीकु को सारी की सारी प्लेट साफ करते हुए देखते हैं। वहीं पर खड़ी हुई माकुजावा से शिरागीकु पूछती है कि क्या उसे पता है कि हयातो कहाँ गया, क्योंकि वो डिनर के बाद अचानक ही वहाँ से उठकर चला गया था। सो माकुजावा बोलती है कि उसने कहा था कि वो कॉफी बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए कैफे में जा रहा है। उसके बाद हम कैफे के अंदर हयातो को देखते हैं जो कि अपने हाथ की बनी कॉफी पी रहा था, लेकिन उसे सही टेस्ट नहीं आ रहा था, और वो वहाँ पर अपने आप से ही बातें कर रहा था। उसे होजी की बात भी याद आ रही थी कि उसके हाथ की बनी कॉफी कैफे में नहीं बेची जा सकती। और तभी हयातो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन वहीं एक टेबल पर बैठी हुई होजी बोलती है कि तुम्हारे इतने बड़बड़ाने की वजह से मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। होजी को कैफे में देखकर हयातो सोचने लगता है कि अरे नहीं यार, इसने तो मेरी सारी की सारी बातें सुननी होगी जो भी मैं खुद से कर रहा था। तभी होजी हयातो के पास आती है, वो टेबल पर कुछ पैसे रखती है और हयातो से बोलती है कि उसे ठंड लग रही है, इसी वजह से उसे एक कप कॉफी चाहिए। उसके बाद हयातो होजी से बोलता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उसने उसकी कॉफी की इतनी बुरी बेइज्जती की, और अब वो उसे एक कप कॉफी बनाकर पिलाए। सो होजी बोलती है कि पहले मुझसे प्लीज कहो कि प्लीज मुझे एक कप कॉफी बनाओ। सो तभी हयातो अकड़ते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की कॉफी, लेकिन जो होजी होती है वो उसके लिए एक कप कॉफी बना देती है, और वो कॉफी का कप वहीं रखकर वहां से जाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें कॉफी पीनी हो तो पी लेना। और जब हयातो उस कॉफी की एक सिप लेता है तो वो उस कॉफी के फ्लेवर से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो ना जाने किन्हीं ख्यालों में खो जाता है। उसके बाद हयातो होजी के पास आकर उससे पूछता है कि क्या ग्रैंडमा ने उसे कॉफी बनाना सिखाया था। सो होजी बोलती है हाँ। सो हयातो बोलता है तो क्या
क्या वो उसे कॉफी बनाना सिखा सकती है। सो हो जी हयातो की ओर देखने लगती है। सो तभी हयातो हिचकिचाते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे कॉफी बनाना सिखा दो। हयातो को इस तरीके से देखकर होजी याद करती है कि जब ग्रैंडमा ने उससे कहा था कि किस तरीके से हयातो हर एक काम को बिगाड़ देता है और वो थोड़ा रूडली दूसरों से बात भी करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे माफी भी मांगता है। और जब वो माफी मांगता है ना तो उसका चेहरा बड़ा क्यूट लगता है। और जो प्रेजेंट में होजी होती है वो बोलती है कि तुम सच में काफी क्यूट लग रहे हो हयातो। उसकी बात सुनकर हयातो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो वहां से जाने लगता है। सो तभी होजी उसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराकर बोलती है कि मैं तुम्हें सिखा तो रही हूँ, रुक तो जाओ थोड़ा। उसके बाद वो दोनों कॉफी मशीन के पास आ जाते हैं। हयातो सोच रहा था कि ये सच में मेरे साथ फिर से कोई ऐसी हरकत करेगी जिसकी वजह से मैं एम्बैरेसमेंट फील करूं। सो तभी हयातो होजी से बोलता है कि जब वो मुस्कुराती है ना तब वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और मुझे तो मुस्कुराती हुई काफी पसंद हो, ना कि तब जब तुम बहुत कूल बनने की कोशिश करती हो। सो होजी को तो उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा हयातो को थैंक्स बोल देती है। हयातो से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम फिर से हयातो को नहाते हुए देखते हैं। जब हयातो नहा रहा था तभी वहां पर दरवाजा खोलकर कोई आ जाता है, लेकिन तभी यहां सीन बदलता है और हम होजी को कॉफी पीते हुए देखते हैं। और वो उस वक्त सोच रही थी जब हयातो ने उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि वो मुस्कुराते हुए ज्यादा क्यूट लगती है। और तभी यहाँ फिर से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दरवाजा खोलकर वहाँ पर सुरुगा आ गई थी। हयातो से ये भी बोलता है कि उसने ये साइन भी लगाया था कि वो इस वक्त बाथरूम में नहा रहा है, लेकिन भैया तुम तो लड़कियों को जानते ही हो ना। वो उस पर फिर से गुस्सा करने लगती है और बेचारे को फिर से पीटने लगती है। उसके बाद यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हयातो और सुकिशिमा को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर सुकिशिमा बोल रही थी कि अगर मुझे तुम्हारे साथ क्यों आना पड़ रहा है। सो हयातो बोलता है कि हम सभी बिजनेस पार्टनर्स को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हम फिर से अपने कैफे की रीओपनिंग कर रहे हैं। सो तभी सुकिशिमा उसे परेशान करते हुए बोलती है कि तुम मुझे कहीं किसी डेट पर लेकर तो नहीं आयो ना। सो तभी हयातो उसे बोलता है कि अकाने का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शिरागी को बहुत ज्यादा शाय है और जो ओका है उसे तो लगता है कि मैं कैफे की रेपुटेशन ही बर्बाद कर दूंगा और आखिर में बची हुई एमी वो तो एक नंबर की इडियट है, इसीलिए मैं उनमें से किसी और को नहीं लेकर आया। और उसकी बात से एग्री करते हुए सुकिशिमा बोलती है कि हाँ एमी को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। और आखिर में हयातो सुकिशिमा से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम मुझे ये बता पाओ कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ वो एक आदमी से अपने कैफे की रीओपनिंग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो हयातो था वो उससे सही से बात नहीं कर पा रहा था, थोड़ा कोल्डली बात कर रहा था। सो तभी सुकिशिमा उस सिचुएशन को संभालते हुए उस आदमी से बोलती है अरे ये क्या है ना, ये थोड़ा नर्वस हो गया है। वो क्या है ना, हम अपने कैफे को फिर से रीओपन कर रहे हैं इसीलिए हमें आपकी मदद की तो जरूरत होगी ही, और हमारा कैफे आपकी मदद के बिना तो कभी चल ही नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर ना वो आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है ठीक है। उसके बाद वो दोनों दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर फिर से हयातो थोड़ी बात करता है, लेकिन फिर से वो कुछ और बोल ही नहीं पाता जिससे उनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़े। सो तभी सुकिशिमा फिर से सिचुएशन को संभालते हुए उन सभी से बातें करने लगती है, हमारा कैफे अगर ये चलाएगा तो वो कभी भी अच्छे से चल नहीं पाएगा, इसीलिए हमें आपकी मदद की जरूरत होगी हमारे कैफे को अच्छे आगे बढ़ाने में। उसके बाद वो लोग एक और जगह पर आते हैं जहाँ पर सुकिशिमा फिर से एक और आदमी से बात कर रही थी और वो हयातो से बोलती है कि तुम भी उससे बात करो ना, तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम सुकिशिमा को देखते हैं जो अपनी किस्मत वाला कागज निकाल रही थी एक डिब्बे में से, ऐसा जापान में होता है शायद से तुम्हें नहीं पता होगा। और हयातो उस टाइम पर सोच रहा था ये ना मुझे सबके सामने एक लूजर बनाने पर टिकी हुई है। एंड उसके बाद हयातो उसे पूछता है कि अब हम घर चल सकते हैं अगर सभी लोगों से मिलना हो गया हो तो। सो तभी सुकिशिमा दूसरी ओर जाते हुए बोलती है कि अभी हमें एक और जगह चलना है। सो हम देखते हैं वो दोनों श्राइन में आ जाते हैं एंड वहाँ पर सुकिशिमा बोलती है मैं यहाँ पर गॉड्स को रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। एंड उसके बाद वो बोलती है कि ग्रैंडमा ने हमसे कहा था कि जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करें तो हमें गॉड्स को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। हयातो उसकी बात सुनकर बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम आखिर ये कर ही क्यों रही हो। और वो हयातो से ये भी बोलती है कि हम तो यहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर्स को ये बताने के लिए आए थे कि हम फिर से रीओपनिंग कर रहे हैं अपने कैफे की। हयातो बोलता है कि हमने अभी भी यही तो किया। सो सुकिशिमा बोलती है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम वहाँ पर एक उदास सा चेहरा बनाए हुए खड़े रहे और तो उसके अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया। और क्या तुम उस तरीके से खड़े रहने को दूसरों से बात करना बोलते हो। उसकी बात सुनकर हयातो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद सुकिशिमा बोलती है कि तुम्हें हर उस एक पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर रहा हो। एंड उसके बाद वो बोलती है कि जब तुमने कहा था कि तुम ग्रैंडमा के कैफे को फिर से रीओपन करने वाले हो तो मैं सोच रही थी आखिर तुम्हारा ये रिजॉल्व संकल्प कितना स्ट्रांग होगा, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और अगर तुम्हारा इसी तरीके से व्यवहार रहा तो मुझे लगता है कि एक साल के अंदर हमारा कैफे फिर से बंद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर हयातो भी याद करने लगता है अपनी दादी के बारे में कि जब आप किसी काम को स्टार्ट करो तो आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए, आपको वो हर एक चीज करने की कोशिश करनी चाहिए जो आप कर सकते हो। और ग्रैंडमा ने भी हर एक वो चीज की जो वो कर सकती थी उस टाइम पर, और उनका जो संकल्प था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था।
उसके बाद हयातो तो सुकिशिमा से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरा संकल्प बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मैं इस कैफे को फिर से अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगा और आगे से मैं इसका बात का ज्यादा ख्याल भी रखूंगा। सुकिशिमा भी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम समझ गए तो ठीक ही है। उसके बाद हयातो वहां से जाने लगता है। सुकिशिमा बोलती है कि तुम जा रहे हो? सो हयातो बोलता है कि मैं फिर से उन सभी से बात करने के लिए जा रहा हूँ, उन सभी को बताने के लिए हम फिर से रीओपनिंग कर रहे हैं और इस बार मैं उन सभी से अच्छे से बात करूंगा जैसी मुझे करनी चाहिए थी। हयातो की ये बातें सुकिशिमा को काफी खुश कर देती हैं। उसके बाद जब हयातो सीढ़ियों के पास पहुंचता है तो जो सुकिशिमा होती है वो उसे अपनी पांसू दिखाने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूडली बिहेव किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। इसी वजह से तुम जितना देखना चाहो मुझे देख सकते हो। लेकिन उसे देखकर ना हयातो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और वो बेचारा बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से। उसके बाद सुकिशिमा उस एक पर्ची को निकाल कर अपना फॉर्च्यून देखती है और वो एक क्यूट सी स्माइल देकर बोलती है कि हयातो तुम बिल्कुल भी रिलायबल नहीं हो। एंड दोस्तों उस पर्ची में लिखा हुआ था कि जिसका तुम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे वो तुम्हारे पास आएगा और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में भरपूर मात्रा में रोमांस होगा और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। इस सीरीज का अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा और अगर अभी तक और भी नई सीरीज को चेकआउट नहीं किया तो चाहो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर और चेकआउट करो। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।